नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में मंगलवार को विशाल शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में शामिल होने के लिए जिले भर से हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग पहुंचे थे। यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की थी। शौर्य यात्रा में शामिल होने के लिए शहर के महाराजा चौक में सुबह से लोगों का जमावड़ा होने लगा था। दोपहर लगभग 2 बजे आचार्य राकेश महाराज और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कार्याध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा और विजय आदित्य सिंह जुदेव के नेतृत्व में महाराजा चौक से रवाना हुआ। रैली महाराजा चौक से जय स्तंभ चौक, बाला साहेब देशपांडे बाल उद्यान, पुरानी टोली होकर बलराम सोनी मंच, बस स्टैंड होते हुए वापस महाराजा चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। आम सभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर वर्मा ने कहा कि हिंदू जागरण के लिए यह यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ में आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य हिंदुओं को, विशेषकर युवा पीढ़ी को, पूर्वजों द्वारा किए गए महान कार्यों से परिचित कराना है, ताकि वे स्वयं के हिंदू होने और पूर्वजों द्वारा किए गए महान कार्य, त्याग और बलिदान पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर सकें। उन्होंने कहा कि इस समय पूरे देश में हिंदू समाज पर चौतरफा आक्रमण किया जा रहा है। सनातन विरोधी आंदोलन खड़े किए जा रहे हैं। हिंदुओं को विभाजित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे खतरनाक षड्यंत्र से हिंदू समाज के साथ पूरे देश पर खतरा मंडरा रहा है। इससे निपटने का एक ही तरीका है कि हिंदू समाज जागरूक हो, एकजुट हो जाए। देश का इतिहास बताता है कि जब जब देश में हिंदू समाज कमजोर हुआ, तब तब देश में विरोधी ताकतों ने यहाँ सिर उठाया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आचार्य राकेश महाराज ने कहा कि हिंदू जागरण यात्रा के माध्यम से हिंदुओं को संदेश दिया जा रहा है कि जब जब देश में विपत्ति खड़ी हुई है, हिंदू समाज ने एकजुट होकर उनका सामना करते हुए देश के मान सम्मान की रक्षा की है। वर्तमान में देश के सामने जो चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उसे निपटने के लिए भी आवश्यक है कि हिंदू समाज को जागृत कर एकजुट किया जाए। जशपुर के दुलदुला ब्लॉक के डुमरबहार में जन्माष्टमी त्यौहार के आयोजन को बाधित करने के मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के लोगों को सच्चाई बताने से रोकने के लिए प्रशासन और दूसरे समाज के लोगों द्वारा दबाव पूर्वक रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद शौर्य जागरण यात्रा जैसे आयोजन के माध्यम से हिंदू समाज को एकजुट और मजबूत करने के लिए लगातार काम करती रहेगी। विजय आदित्य सिंह जुदेव ने कहा कि शौर्य जागरण यात्रा का मूल उद्देश्य हिंदुओं को पूर्वजों की शौर्य गाथा बताकर जागृत करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हिंदुओं की आस्था और मान्यताओं पर चौतरफा आक्रमण किया जा रहा है। भ्रांतियां फैलाकर हिंदुओं को विभाजित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। विधर्मियों को मालूम है कि जब तक हिंदू एकजुट है, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए एक सोची समझी हुई रणनीति के अंतर्गत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने दुलदुला में जन्माष्टमी पर्व को लेकर हुए विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि कंस की सोच रखने वाले शासन को आसन्न विधानसभा चुनाव में जनता उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। यात्रा रखी गई जिले में चल रहा है, जिस प्रकार से कुकर्मी शासन बोला जाए, जो कंस की शासन है, जिस प्रकार से जशपुर जिले में हमारे यादव समाज के भाई यदुवंशी भाइयों को, जो कृष्ण भगवान के जिनको वंशज माना जाता है, उनको जन्माष्टमी का शुभ कार्यक्रम नहीं बनाया जाता है। अगर जन्माष्टमी के दिन अगर ऐसा हमारे जो सत्ताधारी जो विधायक हैं, इस प्रकार से अगर कार्य कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि आने वाले समय में अगर ये कार्य अगर जन्माष्टमी के दिन हुआ है, तो आज से ठीक 3-4 महीने बाद कंस की शासन को हटाने का पूरा कार्य भारतीय जनता पार्टी एवं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा होगा।